हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अर्चना का किचन में स्वागत है आपका। आज हम साबूदाना का खिचड़ी बनाएंगे, बहुत ही यम्मी और टेस्टी हेल्दी रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये साबूदाना, ये छोटा दाना है मेरा, तो इसको 15-20 मिनट पहले फुला लेंगे तब जल्दी ये बनता है। बड़ा वाला अगर आपके पास है वो जल्दी पक जाता है, उसको उतना उतना फुलाना नहीं पड़ता है। उसको 5 मिनट भी रखने से वो अच्छे से फूल जाता है। तो आप छोटा वाला दाना लें तो इसको 15-20 मिनट ज़रूर फूलने के लिए छोड़ दें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गया तो फ्लेवर के लिए हम 1 चम्मच जीरा और 10-12 काली मिर्च ले लिए। और इसको भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा कलर चेंज करेंगे, अच्छी खुशबू आने तक इसको भून लेंगे। और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे और इसको चला लेंगे, अच्छी खुशबू आने तक इसको हम भून लेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा साबूदाना में, एकदम हेल्दी है। आप एक बार अगर खा लेंगे तो दिन भर भूख नहीं लगेगा आपको। ये अच्छे से भून चुका है तो देखिए इसको हम निकाल लिए, इसको दरदरा कूट लेते हैं। डालेंगे 1 चम्मच घर का मेरा घी है, आपके पास अगर घी है तो घी में बनाए, नहीं तो मूंगफली का तेल में भी बना सकते हैं आप। मूंगफली डालेंगे और मूंगफली को रोस्ट करेंगे हम। तो चटकने की आवाज़ आएगी तब तक इसको भूनते रहेंगे। मूँगफली देखिए चटकने लगा है तो इसमें काजू और बादाम डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे। इसको लास्ट में इसीलिए डाल रहे हैं कि काजू और बादाम बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, इसको सबसे पीछे ही डालेंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे, ये अच्छे से भून चुका है। थोड़ा सा घी डाल देंगे, अब मखाना डाल देंगे। पूरा होने तक भून लेंगे, अभी देखिए नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म है, देखिए इससे आवाज़ भी आने लगा है। तब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो वापस से 1 चम्मच घी डालेंगे इसमें हम, और घी को गर्म होने देते हैं। मैं एक आलू को धो के अच्छे से छिलका निकाल के इसको भी ले लिए हैं, छोटा छोटा बीच में काट लिए, इसको डाल देंगे। चेंज करने तक इसको भी पका लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाई फ्लेम में करेंगे तो जल्दी ब्राउन हो जाएगा और आलू कच्चा रह जाएगा, तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और आप जब भी बनाएं दोस्तों तो छोटा वाला साबूदाना का यूज करें, देखिए कितना अच्छा आता है, ये कभी गलता भी नहीं है। आप चाहें तो इसको 5-6 घंटा भी फुला देंगे फिर भी ऐसे ही रहेगा, ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपके तरह नहीं मिलता तो बड़ा वाला भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है आलू में। अब हम कुछ इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे। 2 बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली है, अगर आप तीखा खाना कम पसंद करते हैं तो आप स्किप कर दें इसको। इसको मिक्स कर देंगे, इसको थोड़ा साइड कर देंगे हम। और इसमें अब थोड़ा सा जीरा डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे, अगर आपको करी पत्ता का टेस्ट पसंद है तब डालें, नहीं तो स्किप कर दें आप। और इसको मिक्स कर लेंगे। और 1 टमाटर को काट लिए, इसको भी डाल देंगे, अगर आप टमाटर खाते हैं तभी डालें, नहीं तो स्किप कर दें। अदरक है 1/2 टुकड़ा है, इसको बारीक काट लिए थे, छिलका निकाल के इसका, और इसको डाल दिए, इससे अच्छा टेस्ट आएगा साबूदाना। अब जो साबूदाना को हम फुला के रखे थे उसको डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको भूनना है अभी 2-3 मिनट तक। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, ये सेंधा नमक है, और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका भूनना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से भूनेगा तो बहुत अच्छे से साबूदाना बन जाएगा। और थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे, इसको डाल के भी मिला लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुका है, अच्छे से भून भी चुका है, तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनेगा फ्रेंड, आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें। थोड़ा पानी और डालेंगे, पानी अपने हिसाब से आप डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे 1/2 कप था तो हम 1.5 कप पानी डालेंगे।
अब इसको धनिया पत्ता थोड़ा सा और डाल देंगे और इसको मिक्स करके ढक के 10 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे और इसको हम बीच में चलाते जरूर रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा लो कर देंगे और ढक के 10 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे। बीच में इसको हम चलाते भी रहेंगे। देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है, तो जो हम मसाला बना के रखे थे उसको हम दरदरा इसमें कूट लिए थे उखली में, तो इसको डाल देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। पकने छोड़ देते हैं, तो ढक्कन हटा के देख लेते हैं। देखिए आलू को चेक कर लेंगे कि आलू अच्छे से पका है कि नहीं। देखिए बहुत अच्छे से आलू सॉफ्ट हो चुका है। इस टाइम हम डालेंगे आधा नींबू का जूस, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको मिक्स कर लेंगे और आधा चम्मच गुड़ डालेंगे, खट्टा मीठा अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो आप गुड़ का पाउडर डालें। और इसको मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब भून के रखे तो उसको डाल देंगे। लास्ट में डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्रंच बना रहेगा सारा फ्रूट में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको हम सर्व कर लेते हैं। आप एक बार ज़रूर बना के देखें फ्रेंड, आप एक बार बना के इसको खा लें तो दिन भर पूरा दिन आप फिट रहिएगा, लगेगा ही नहीं कि आप फास्टिंग रखे हैं। आप एक बार ज़रूर बना के देखें कितना मस्त बना है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया है। तो अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।